कांग्रेस नेता राहुल गांधी का बयान इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है। साहब कभी ऐश्वर्या राय को नाचने वाली बता देते हैं तो कभी अमिताभ बच्चन को नाचने वाला, कभी राहुल गांधी पीएम को निशाने पर लेते हैं तो कभी राम मंदिर को कटाक्ष के बाण चलाते हैं, और ये सब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गायत्री और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। इस यात्रा के दौरान राहुल गांधी आरक्षण, बेरोजगारी और उद्योगपतियों से लेकर मोदी सरकार तक पर निशाना साधते दिख रहे हैं। राहुल गांधी अपने बयानों में ओबीसी समुदाय और गरीबों का भी जिक्र कर रहे हैं, लेकिन उनकी जुबान पर ऐश्वर्या राय बच्चन और अमिताभ बच्चन भी आ जाते हैं। इन सब के बीच अब राहुल गांधी का 22 जनवरी 2024 को श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर दिया एक बयान चर्चा में आ गया है। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं कि श्री राम मंदिर के कार्यक्रम में आपने किसी गरीब, पिछड़े, दलित और आदिवासी को नहीं देखा है। मगर अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय के अलावा गौतम अडानी समेत उद्योगपतियों को जरूर देखा होगा। हालांकि श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए आयोजित कार्यक्रम में ऐश्वर्या राय और गौतम अडानी शामिल नहीं हुए थे, इसलिए राहुल के बयान पर अब केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और सिंगर सोना महापात्रा ने आपत्ति जताई है। 12 फरवरी को राहुल गांधी ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में कहा था, आपने राम मंदिर का उद्घाटन देखा होगा, क्या उसमें आपने गरीब आदमी को देखा? मुझे तो अमिताभ बच्चन दिखा, ऐश्वर्या राय दिखी, अडानी दिखा, अंबानी दिखा, सारे के सारे बिजनेस वाले दिखे, मुझे एक गरीब बंदा उसमें नहीं दिखा। मुझे वहां एक किसान, एक मजदूर, बेरोजगार, चाय वाला, छोटा दुकानदार नहीं दिखा, सारे के सारे अरबपति दिखे। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, ओ देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है, आप लोग इधर उधर देखोगे वो, हाँ भैया वहां पे पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम, ओ भैया देखो चाइना में ये हो रहा है, ओ देखो भैया ऐश्वर्या राय नाच गई। मीडिया में आपको यही दिखेगा, 73% की मीडिया में बात नहीं होगी, मजदूरों की बात नहीं होगी, किसानों की बात नहीं होगी। इसके बाद भी राहुल गांधी कई बार यात्रा के दौरान बोलते हैं, मीडिया वाले हमारी बात को दिखाते नहीं हैं। मीडिया में आपको 24 घंटे नरेंद्र मोदी जी दिख जाएंगे, ऐश्वर्या राय जी दिख जाएंगे, मोदी जी की साइड में अमिताभ बच्चन घूमते दिख जाएंगे, मीडिया अमिताभ ऐश्वर्या को सिर्फ डांस करता दिखाएगी। तो राहुल गांधी जैसे ही बयान देते हैं बीजेपी उन पर हमलावर हो जाती है, और खास तौर पर स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने कहा कि ये बहुत ही घटिया है, मैंने आज तक राहुल गांधी के लिए ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया, जो अपने पिता के दोस्त की बहू को ना बख्शे उससे क्या उम्मीद लगानी, राहुल गांधी के लिए सिर्फ घटिया शब्द है, माफी तो मांगेंगे नहीं। सोनिया जी के रोंगटे खड़े नहीं हुए होंगे, श्रीमती वाड्रा जी चुप्पी साध कर बैठी रहेंगी, लेकिन अपने पिता के दोस्त की बहू के बारे में ऐसा कौन बोलता है। स्मृति ईरानी ने कहा कि जिसका अपने परिवार के करीबियों के प्रति सम्मान नहीं है वो देश में किसी की बहन और बेटी के प्रति सम्मान रखेगा क्या। अगर सोनिया गांधी सुन रही है तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगी कि ये घटिया है। फिलहाल जहां बीजेपी नेता स्मृति ईरानी राहुल गांधी पर कटाक्ष बाण चला रही थी, वहीं राहुल के बयान पर सोना महापात्रा भी पीछे नहीं रही। सोना महापात्रा ने सोशल मीडिया पर लिखा, कुछ राजनेता लाभ लेने के लिए अपने भाषणों में औरतों का अपमान कर रहे हैं। प्रिय राहुल गांधी, यकीनन किसी ने आपकी माँ और बहन को इस तरह अतीत में अपमानित किया होगा, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। और हाँ, ऐश्वर्या राय बहुत सुंदर नाचती है। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि राहुल गांधी पर इस वक्त बीजेपी के कई नेता हमलावर हैं। सोशल मीडिया पर भी लोग राहुल गांधी को ट्रोल कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि ऐश्वर्या राय ने 1994 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, वो कई हॉलीवुड फिल्मों में भी अभिनय कर चुकी हैं, भारत का नाम ऊंचे करने वाली ऐश्वर्या का अपमान राहुल गांधी कैसे कर सकते हैं। कहा जाता है कि गांधी परिवार और बच्चन परिवार के रिश्ते काफी पुराने रहे हैं, हालांकि बीते कुछ सालों में इन रिश्तों में दूरियां देखने को मिली थी। इंदिरा गांधी और तेजी बच्चन की दोस्ती तब से थी जब इंदिरा गांधी की शादी भी नहीं हुई थी। इसके बाद दोनों परिवारों के बच्चों के बीच गहरी दोस्ती बनी रही। वो अलग अलग स्कूलों में पढ़ा करते थे, लेकिन वो छुट्टियां एक साथ बिताते थे। जब राजीव गांधी ने शादी नहीं की थी तो इटली से आकर सोनिया ने कुछ दिन बच्चन परिवार के साथ बिताए थे।
वो सोनिया के लिए किसी आम भारतीय परिवार के साथ बिताए पहले पहले दिन थे। इसके बाद जब राजीव गांधी की शादी हुई तो इंदिरा गांधी एक सफदरजंग रोड में रहने आ गई, जबकि बच्चन परिवार का निवास पास ही 13 विलिंगडन क्रिसेंट में था। शादी की कुछ रस्में बच्चन परिवार के घर से ही पूरी हुई थी। दोनों परिवारों की दोस्ती ही थी कि जब कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन घायल होकर ब्रीच कैंडी अस्पताल में पड़े थे, तब राजीव गांधी अमेरिका से उन्हें देखने आए और इंदिरा गांधी दिल्ली से वहां पहुंची थी। अमिताभ बच्चन ने इंदिरा गांधी की मौत के बाद राजीव गांधी के कहने पर इलाहाबाद से चुनाव लड़ा और हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे दिग्गज को हराया था। राजीव गांधी के कार्यकाल में ही बोर्सोव तोप में दलाली के आरोपों के बाद अमिताभ बच्चन का राजनीति से मोह भंग हो गया था, लेकिन ये दोस्ती बरकरार रही। यहाँ तक कि राजीव गांधी की मौत के बाद अमिताभ बच्चन गांधी नेहरू परिवार के करीब बने रहे। बाद में बोफोर्स मामले में राजीव गांधी और अमिताभ बच्चन को क्लीन चिट भी दे दी गई। लंबे वक्त तक अपनी पहचान छिपाकर रखने वाले स्वीडन के पूर्व पुलिस प्रमुख स्टेन लिंडस्ट्रोम ने साल 2012 में कहा था कि बोफोर्स घोटाले में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के खिलाफ घूस लेने के कोई सबूत नहीं थे। वहीं इस बीच अमिताभ बच्चन ने अपनी कंपनी ABCL बनाई और भारी कर्ज में डूब गए। वो अमिताभ के मुसीबत के दिन थे। इन दिनों में अमर सिंह से बच्चन परिवार की करीबी बढ़ी, हालांकि बाद में बच्चन परिवार से भी अमर सिंह की दूरियां बढ़ गई और फिर गांधी परिवार से भी बच्चन परिवार की दूरियां साफ देखी जा सकती थी। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या उन दूरियों का असर अब भी बरकरार है, क्योंकि राहुल गांधी बार बार ऐश्वर्या और अमिताभ का नाम ले रहे हैं, जिससे साफ समझा जा सकता है कि गांधी परिवार के मन में अब भी बच्चन परिवार के लिए खटास है। और ये खटास कब मिटेगी, इसका जवाब फिलहाल तो अभी किसी के पास नहीं। खैर, इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा चैनल श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।